दोस्तों टेक्निकल प्रज में आपका स्वागत है और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे मोटोरोला की तरफ से कि दोस्तों मोटोरोला ने अपने नए स्मार्टफोन मोटो G8 पावर को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है जिसमें आपको एक 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही मिलती है आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP की प्राइमरी सेंसर है, 2MP की डेप्थ है और 2MP की मैक्रो लेंस है और साथ ही आपको जो सेल्फी कैमरा दी गई है वो भी दी गई है 8 MP की। एंड दोस्तों इसमें आपको जो बैटरी दी गई है वो दी गई है 5000 mAh की बैटरी। एंड ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको 29 मई से फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक्निक्स की और जो कि निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से कि दोस्तों Xiaomi शायद जल्द ही अपने जो Xiaomi का नया Redmi बुक है, जो नोटबुक है उनकी तरफ से, वो शायद हमें जल्दी इंडिया में या ग्लोबली देखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी जो टीज़र है कुछ या पोस्टर यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो देखते हैं आखिर ये Redmi बुक हमें कब तक देखने को मिलती है और किस प्राइस पॉइंट में Xiaomi वाले इसे लॉन्च करते हैं। लगे यार दोस्तों Realme की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो Realme का Realme Buds Air Neo है और जो Realme TV है एंड Realme का स्मार्ट वॉच है वो 25 मई से इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। ये फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च होने वाला है दोस्तों, ये जो बातें हैं ये कन्फर्म न्यूज है। तो आप अगर इन तीनों में से किसी प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप 25 मई को सेल में ट्राई कीजिए, आपका लक अच्छा होगा तो आपको सेल में मिल जाएगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताना आप इन तीनों प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हो। दोस्तों Realme की तरफ से और एक खबर आ रही है कि जो Realme का चाइना में इवेंट होने वाला है 25 मई को, उसमें चाइना में Realme वाले कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट, स्मार्टफोन वगैरह या नया डिवाइस वगैरह, बहुत सारे चीज़ एसेसरीज वगैरह लॉन्च करने वाला है। तो उनमें से एक जो है जो Realme Buds Q है वो शायद लॉन्च हो सकता है। इसकी कुछ टीज़र बोले या पोस्टर बोले ये यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी टेक न्यूज़ की ओर जो कि निकल के आ रही है पोको की तरफ से कि दोस्तों जो पोको का M2 Pro है जिसके बारे में कुछ दिन पहले रिमर्स निकल रहा था कि ये स्मार्टफोन हो सकता है, तो इसके बारे में दोस्तों एक कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है और मुकुल शर्मा जी ने इस पर ट्वीट करके बताया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक न्यूज़ पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर ऑसम कंटेंट।